गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज सूरज गड्डी 24। जो मैं आज रिव्यू करने वाला बाइक, ये बजाज की तरफ से ये पल्सर है और ये 125cc की बाइक है। आप डिज़ाइन वाइज देख सकते हो, काफ़ी नीटली डन है ये। इवन ये इसका ब्लैक कलर में है प्रॉपर, और जो डिज़ाइन वाइज है कुछ भी अभी रिवाइज नहीं हुआ है, सेम डिज़ाइन है जो आप देख रहे हो। जस्ट मैं आपको एक क्विक वीडियो इसका वॉक अराउंड कराता हूँ अभी, क्या देखने में है क्या नहीं है डिज़ाइन। इवन आप देख सकते हो डिज़ाइन वाइज देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। इवन इसमें बजाज ने काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इसमें, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं पहले स्टार्ट करूंगा इसके फ्रंट से। फ्रंट में प्रॉपर इसमें बल्ब का काम किया हुआ है, कोई LED लाइट्स नहीं है इसमें। टर्निंग जो इंडिकेटर है इसका, वो भी प्रॉपर बल्ब का काम किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ इसकी सस्पेंशन की, तो ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है प्रॉपर फ्रंट में, और ये 240mm की डिस्क है। नॉन ABS बाइक है ये, एक ABS मॉडल नहीं है। अगर मैं इसके टायर की बात करूँ, तो 18x100 और R17 के टायर है। 17 inch का अलॉय व्हील है इसमें। रेयर में ड्रम ब्रेक है प्रॉपर, और 125cc की बाइक है ये। इवन देख सकते हो आप, इंजन इसका है प्रॉपर। यहाँ पे प्रॉपर टैंक इसकी जो है 11.5 लीटर की टैंक कैपेसिटी है। अगर मैं इसकी एवरेज की बात करूं, तो इजी वे में जो बजाज क्लेम कर रहा है 56 किलोमीटर पर लीटर ये देगा आपको हाईवे पे। तो इसकी डिज़ाइन हो गई बेसिक, ये फुटरेस्ट है प्रॉपर। यहाँ पे बेसिक सस्पेंशन का यूज़ किया गया है। अगर मैं इसकी फुटरेस्ट की बात करूं, तो इसमें प्रॉपर रबर का काम किया हुआ है, चाहे पिलियन राइडर का हो गया, चाहे आपको ड्राइवर का जो फुटरेस्ट, ये भी प्रॉपर रबर का काम किया हुआ है इस पर। अगर मैं इसकी गियर की बात करूं, तो इसमें बेसिक गियर दिया हुआ है प्रॉपर, एक डाउन, और पीछे की तरफ दाबोगे तो न्यूट्रल आ जाएगा, फिर एक फर्स्ट डाउन, और सारे जो चार गियर हैं वो पीछे की तरफ से है, सेकंड थर्ड फोर्थ, और भी यहाँ दाबने से न्यूट्रल में आ जाएगी गाड़ी। 125cc की बाइक है ये, जो ये मैक्स पावर जो प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स, ये 11.3 PS की पावर है 8500 RPM पे, और जो न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये 10.8 है 6500 RPM पे फ्रेंड्स। अगर मैं इसकी रियर टायर की बात करूं, तो ये आपको इसमें, तो फ्रेंड्स ये 100x19 R17 की टायर हो गई इसकी, और 17 इंच का अलॉय व्हील है। और बेसिक इसमें भी आपको प्रॉपर बल्ब का काम किया हुआ है। इसमें जो लाइट है प्रॉपर LED लाइट दिया हुआ है टेल लैंप में, जो कि आप देख सकते हो। ये एक बार मैं आपको जला के दिखाता हूँ इसका, जस्ट आइडिया आपको हो जाएगा। एक प्रॉपर इसमें जो है अभी ये इसका LED लाइट्स हो गया, बेसिक सारा काम है इसमें किया हुआ। और मूविंग ऑन टू दी साइड, इवन आप देख सकते हो इसमें भी जो काम किया है इन्होंने प्रॉपर, इसमें एग्जॉस्ट बैरल है और नीचे में ड्रम का काम किया हुआ है, कोई डिस्क नहीं लगी हुई इसमें, सेम मैंने बताया था आपको। और डिज़ाइन आप देख सकते हो, जिसमें सारा कुछ जो बल्ब का काम किया हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं किया इन्होंने बजाज ने प्रॉपर। और डिज़ाइन वाइज भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। अगर मैं बात करूँ इसकी टैंक कैपेसिटी की, तो ये आपको 11.5 लीटर की टैंक मिल रही है इसमें आपको प्रॉपर। ये बेसिक प्लेन सीट है, कोई इसमें जस्ट ये स्प्लिट नहीं सीट नहीं है, ये बेसिक प्लेन सीट है फ्रेंड्स, जो कि आप देख सकते हो ये भी। अगर मैं बात करूँ इसकी डिजिटल मीटर की, ऑटोमीटर RPM यहाँ पे शो होगा, यहाँ पे आपकी किलोमीटर पड़ावर, यहाँ पे स्पीड शो होगा प्रॉपर, यहाँ पे ट्रिप सेट कर सकते हो इसे रिसेट से आप, यहाँ पे कितनी ड्रिवन है वो यहाँ शो हो रही है, यहाँ पे फ्यूल शो होगा कितना फ्यूल है आपके इसमें बाइक में, वहाँ से यहाँ से पास शो होगा, बाइक आपकी न्यूट्रल में है वो यहाँ से शो होगी, जो कि देख सकते हो आप। यहाँ से इंजन किल एंड स्टार्ट यहाँ से है, यहाँ से सेल्फ का बटन दिया हुआ है प्रॉपर, सारे पावर ब्रेक है इसमें लगी हुई। ये इसका आपका हाई बीम लो बीम का हो गया, टर्निंग इंडिकेटर हो गया, राइट लेफ्ट हॉर्न हो गया, ये इसका पास का हो गया, और ये बेसिकली क्लच हो गया ये, जो कि काफ़ी स्मूथ क्लच है। तो ये है फ्रेंड्स बजाज की तरफ से 125cc की बाइक। अगर मैं बात करूँ इसकी डिज़ाइन की, तो पहले से काफ़ी सारे चेंजेस आए हुए हैं, जो कि देख सकते हो आप।
अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस बाइक में आपको किक का भी मिलता है फैसिलिटी, और इसमें ब्रेक भी काफ़ी बेसिक है, ये इस पर आपको रेयर ब्रेक हो गया ये, क्योंकि आप देख सकते हो ये भी काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ आ रहा है ये, क्योंकि बजाज की अपनी ये DTSI इंजन है, इसकी BS6 मॉडल है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो, और अच्छा लगा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ ऑन रोड, मैं इसकी प्राइस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो 85,000 की आपको ऑन रोड कॉस्ट आएगी 125cc की बाइक। अगर अच्छा लगा वीडियो, चैनल को लाइक करो, इसे सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डेली का पोस्ट करूँगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। आपको लगता है कौन सी बाइक जो भी नई आई है उसको बनाना चाहिए, तो मैं जाके बनाऊँगा वो सब वीडियोज़, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना वो चीज़। अच्छा लगा, कोई भी अगर लगता है कुछ और इसमें ऐड करना चाहिए मुझे, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में डाल दें क्या और इसमें चेंजेस चाहिए, क्या इसमें सुधार करना चाहिए, सारा कुछ मैं आप डाल दें डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मैं कोशिश करूँगा और अपने आप को अच्छा से करने का, बोलने का। तो अच्छा लगा ये आपको वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।